चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी आज का महाउपाय हमेशा की तरह बहुत ही खास है। आज मैं आपको लाल किताब के कुछ चमत्कारी उपाय बता रहा हूं। खास तौर पे ऐसे लोगों के लिए ये उपाय हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता हो, यानी उच्च रक्तचाप की समस्या है, टेंशन और डिप्रेशन से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो आपको कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, इन्हें आप बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। इतवार की रात में यानी रविवार की रात में सोते समय अपने सिरहाने की तरफ 325 ग्राम दूध रख करके आपको सोना चाहिए। सोमवार की प्रातःकाल जब आप उठें, सुबह उठ करके सबसे पहले इस दूध को किसी कीकर के या पीपल के वृक्ष की जड़ में आप अर्पित कर दें। ये उपाय 5 रविवार यदि आप लगातार करेंगे तो आपकी जो ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपको लगातार जो चिंता और तनाव होता रहता है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, डिप्रेशन को दूर करने का, ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप को दूर करने का, नियंत्रित करने का ये बहुत ही सरल बहुत ही आसान उपाय है। नियमित 5 रविवार करना है, रविवार से आप आरंभ करें और सोमवार के दिन इस दूध को उठा करके आप पीपल या कीकर के वृक्ष में डाल दीजिए। इससे आपको इतना चमत्कारी लाभ मिलेगा कि आप स्वयं महसूस करेंगे कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी चिंता और परेशानी के आपके कष्ट दूर हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप आने वाले रविवार से जिन भी लोगों को ब्लड प्रेशर और टेंशन और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आप इस उपाय को जरूर करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बना सकेंगे। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, चंदन। चंदन अपना सवाल पूछिए। नमस्ते, नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, बताइए। सर मेरा जन्म तिथि है 26/3/1989 जी, दिन बुधवार और जन्म स्थान मऊ है जी। समय बताइए। समय 12 बजे जी। सर मेरा सवाल यह है कि आजकल मेरा मन ज्यादातर चिड़चिड़ा होता जा रहा है जी, यह भी खराब रहती है जी। देखिए, आपकी जनपत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। शनि की जो महादशा है, शनिदेव जिन भावों के स्वामी हैं वो बहुत अच्छा नहीं है। एक तो 11वां भाव है जिसे आय का स्थान कहते हैं, जिसे बहुत शुभ मानते हैं, लेकिन दूसरा भाव जो है वह 12वां स्थान, वह व्यय का स्थान भी होता है और किसी भी व्यक्ति के लिए सुख का स्थान भी मानते हैं, कई मायनों में उसको जोड़ के देखते हैं। और अंतरदशा जो शुक्र की चल रही है, शुक्रदेव जो है वो अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो दोनों भाव बहुत अच्छे नहीं माने जाते। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति प्रयास करता है, सफलता नहीं मिलती और इसके कारण जो है उसका स्वभाव बहुत ही जो है वह चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जा करके सिंदूर और चमेली के तेल का चूल्हा अर्पित करना चाहिए और उसके साथ साथ रोज संध्या काल में माँ लक्ष्मी के सामने अपने घर में एक देसी घी का दीपक जला दीजिए। ये दोनों प्रयोग यदि आप 45 दिन लगातार करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। तो ये था आज का आपके सितारे। आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।